Good afternoon to everyone to our Motivi session. I am your nutritionist Binuja. So आज हम डिस्कस करेंगे फाइबर के बारे में. सो फाइबर फाइबर की हमारा बॉडी में डिफरेंट एक्टिविटीज होती हैं, बट बेसिकली फाइबर इंटेक हमारा इंडियंस का कम है. दैट इज ऑल्सो ए फैक्ट. एंड फाइबर की हेल्थ बेनिफिट, देर इज एन इन नंबर ऑफ हेल्थ बेनिफिट्स ऑल्सो बाय इंक्लूडिंग फाइबर इन आवर डाइट. ओके, सो आज हम इसके बारे में बात करेंगे, फाइबर के बारे में. सो व्हाट इज डाइटरी फाइबर? सो डाइटरी फाइबर इज ऑल्सो नोन एज रफेज और बल्क. सो एक्चुअली दैट विल क्रिएट बल्क ऑफ द स्टूल. एंड ये जो फाइबर जो होती है, इसकी अब्सॉर्प्शन बॉडी में और डाइजेशन और अब्सॉर्प्शन नहीं होती है बाय ह्यूमन बॉडी. ये इसलिए है जो हमारा जो फाइबर कंटेंट जो हमारे फूड से हम मिलता है, तो वो फाइबर कंटेंट डाइजेस्ट होने के लिए एंजाइम्स जो चाहिए, दैट इज एब्सेंट इन आवर बॉडी. तो इसलिए वी कैन से इट विल नॉट डाइजेस्ट कंप्लीटली एंड इट विल नॉट अब्सॉर्ब कंप्लीटली बाय ह्यूमन बॉडी. ओके, एंड अनलेस अदर फूड कॉम्पोनेंट सच एज फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वो क्या होती है, नॉर्मल न्यूट्रिएंट्स होती है दैट ब्रेक डाउन करती हूँ बॉडी में, गो थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पूर जाके एक एक करके एक एक पार्ट में एक एक चीज से स्प्लिट हो जाता है, देन इट विल अब्सॉर्ब, तो देन दैट विल जस्ट ट्रैवल टू डिफरेंट एरिया ऑफ अवर बॉडी. बट फाइबर इट्स डायरेक्टली जस्ट सिंपली मेक बल्क एंड इट्स मूव थ्रू द फीकस. ठीक है, दैट्स अ नॉर्मल फेथ ऑफ फाइबर इन अवर बॉडी. एलिमिनेट हो जाके जाता है दैट फाइबर दैट वी आर ईटिंग फ्रॉम आवर फूड. एंड नेक्स्ट हो गया. ओके, सो दिस इज द फंक्शंस. बेसिकली फंक्शंस क्या होती है, इट विल डिपेंड अपॉन दी सॉल्युबिलिटी. वाटर सॉल्युबल भी होती है, वाटर इनसॉल्युबल फाइबर भी होती है दैट वी गेट फ्रॉम हमारा फूड आइटम्स. ओके, सो उसकी फंक्शन वाटर सॉल्युबल इनसॉल्युबल, ये जो दो कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है. सो एंड वाटर सॉल्युबल के अंदर जो आती है फाइबर, हेमीसेल्युलोज, सम हेमीसेल्युलोज, पेक्टिन, गम्स, बीटा ग्लूकन. एंड इनसॉल्युबल में आता है, इनसॉल्युबल मतलब दैट विल नॉट digest or it will not absorb in our body, just simply that will make the roughage and go through the fecus. But water soluble mein thoda sa water mein soluble hoke that will make gel form, ek gel form mein ho jata hai. So then it will help to reduce some kind of diseases and some kind of digestive issues, ye sab ke liye that will help. So insoluble ke andar jo aati hai fiber, lignin, cellulose and some hemicellulose. So water soluble and insoluble, both of this category contains hemicellulose. So some is in water soluble and some is in insoluble form. So this is the categories and the types of soluble and insoluble fibers that is present in food items. Okay, so next ho gaya. Yeah, this is the the functions, main functions of this different type of fiber. So we can say lignin, gum, pectin. So iski main functions kya hoti, absorb bile acid, fatty acids, cholesterol. Okay, so conversion of bile acid to secondary bile acid, acid by microflora may contribute carcinogenesis. And decrease in lipid absorption, decrease serum level and enhance liver uptake of LDL. So these are the functions of lignins, gums, pectins. That is a type of fiber. And next, pectin, gum and some hemicellulose. With this high water binding capacity is ke andar and increase fecal bulk and decrease constipation. Okay, so ye jo constipation ke koi issue hai, so bulk formation ke liye this three fiber will help. And decrease transluminal concentration of carcinogen. So basically carcinogen is cancer gene. So जो इसके जो cancer gene की development, इसके splitting और इसके proliferation, ये सब के लिए ये decrease करने के लिए fiber will help. Okay?
to decrease time of production of toxins and carcinogens. So ये इसके मतलब ये होती हैं. So by having this fiber containing food, क्या होती है body में? Body में bulk formation होती है. जितनी भी waste products होती हैं, that will easily move through fecus. So stool through ये easily pass हो जाते हैं. There is no like ज़्यादा time हमारे colon area में, large intestine में ये store नहीं करते हैं. When constipation में क्या होती हैं? तो लार्ज इंडस्ट्राइन में ये जो फूड बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं वो थोड़े टाइम होल्ड हो जाते हैं. दैट विल नॉट इजली मूव थ्रू द कॉलन. ओके, सो बट व्हाइल वी आर यूजिंग फाइबर इन आवर डाइट, उसमें क्या होती है दैट पासिंग ऑफ स्टूल एंड दिस मूवमेंट थ्रू दिस लार्ज इंडस्ट्राइन विल स्मूथली हैपन. तो उस वजह से जो टॉक्सिन एंड कार्सिनोजेनिक जो भी सब्सटेंस बेस प्रोडक्ट्स के अंदर जो होती हैं, सो उसकी कॉन्टैक्ट कॉलन एरिया में और हमारा इंटरनल एरिया, इंटेस्टाइनल एरिया की जो एरिया में जो कॉन्टैक्ट जो होती है वो रिड्यूस हो जाता है. सो दैट्स व्हाई दिस फाइबर इंटेक विल हेल्प टू डिक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिन एंड कार्सिनोजेंस. एंड पेक्टिन, बीटा ग्लूकेन एंड गम्स, इट इज एक्ट एज ए प्रीबायोटिक दैट स्टिमुलेट ग्रोथ ऑफ हेल्पफुल बैक्टीरिया. के हमारा लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भी हेल्दी बैक्टीरिया स्टेगे गट बैक्टीरिया उसके जो डेवलपमेंट के लिए दिस थ्री फाइबर विल हेल्प. ओके, एंड ऑल्सो ट्यूमर सेल्स सप्रेस करते हैं एंड डिविजन ऑफ ट्यूमर सेल्स एंड डेवलपमेंट ऑफ ट्यूमर सेल्स ऑल्सो डिक्रीज बाय दिस थ्री फाइबर कंटेंट. एंड लिग्निन कैन बाइंड कार्सिनोजेंस टू एनहांस एलिमिनेशन ऑफ फीसेस. ओके, सो लिग्निन ऑल्सो हैव द सेम इफेक्ट लाइक कार्सिनोजन. जो जो cancer causing jo genes hoti hai that will bind that that will eliminate through the fecus. Okay, and next ho gaya the sources mein jo aati hain. So water insoluble dietary fiber bhi hoti hai, soluble dietary fiber bhi hoti hai. So commonly both this fiber will present in almost jo sources hoti hai fiber ki wo dono fiber commonly we can see. Both fiber we can see, insoluble and water soluble, and soluble and insoluble we can see. So basically fruits, green vegetables, bran and sugar beet, cereals, grains, woody plants, ye sab insoluble fiber ki category mein aate hain. Especially jo outer covering hoti hai, fruits ka skin hoti hai, vegetables ka jo green leafy vegetables ho gaya, और कोई भी कुकुम्बर हो गया उसकी स्किन हो गया, तो स्किन आउटर पार्ट में ज्यादा इनसॉल्युबल फाइबर और रफेजेस क्रिएट हो जाते हैं. एंड सीरियल्स एंड ग्रेन्स की बात करते हैं, उसकी जो आउटर कवरिंग होती है मोस्टली जो पॉलिश्ड राइस जो होती है दैट इज रिमूव्ड फ्रॉम द सीरियल्स एंड ग्रेन्स. सो दैट विल लैक दिस इनसॉल्युबल फाइबर और एटलीस्ट इसकी कंटेंट कम होगा द सीरियल्स एंड ग्रेन्स में पॉलिश्ड वन में. So it is fresh unpolished rice or grains हम use करते हैं उसके अंदर insoluble fiber के content अच्छा quantity में होती है. And water soluble की option भी almost similar है, like fruits हो गया, legumes हो गया, vegetables like carrot, potatoes, green beans, plant extract and oats also contain soluble fiber. So these are all are the options of soluble and insoluble fiber. And the faith of dietary fiber in our digestive tract. So like I said, jo fiber digestone ke liye jo enzyme chahiye that is absent in our body. So kya ho jate hain? First that enter to the stomach, that mix with the other particles like other jo particles hoti hai usme mix ho jate hain. And second it's travel through small intestine. Small intestine mein jo digestion and absorption carried out by pancreatic amylase. जो एंजाइम अदर फूड पार्टिकल की डाइजेशन के लिए दिस एंजाइम इज नीडेड, बट फाइबर की डाइजेशन के लिए पैनक्रियाटिक एमिलेज विल नॉट हेल्प. सो क्या हो जाती है, जो फाइबर के जो मॉलिक्यूल्स होती हैं, सो अदर कंपोनेंट्स लाइक शुगर हो गया, शुगर मॉलिक्यूल्स हो गया, कोलेस्ट्रॉल की मॉलिक्यूल्स हो गया, फैट की मॉलिक्यूल्स हो गया, उसमें थोड़ा सा लाइक एंट्रैप करते हैं, दैट विल कंपीट विद दैट मॉलिक्यूल्स. And then, like normally that जो अदर जो न्यूट्रिएंट्स होती है शुगर कोलेस्ट्रोल ये सबका डाइजेशन एंड एब्सॉर्प्शन चल जाता है इन स्मॉल इंटेस्टाइन, फाइबर विल नॉट एब्सॉर्ब. सो क्या हो जाता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होती है बाय आफ्टर दिस एब्सॉर्प्शन ऑफ फैट कोलेस्ट्रोल एंड शुगर दैट अगेन कंपेयर टू फाइबर एंड इट विल मूव टू लार्ज इंटेस्टाइन. ओके, लार्ज इंटेस्टाइन में
especially that will create a bulk form create करते हैं, then the stool passing easy हो जाते हैं, okay? With other food waste particles. So next time discuss करेंगी इसकी benefits of fiber. So there is, like I said, there is a different benefits of fiber in our body. Dietary fiber have different health benefits. So उसके दो तीन important जो benefits होती हैं that we will discuss today. So prevent constipation. So this is the first and very helpful benefits of fiber. So insoluble fiber क्या होती है? That bind water, makes stool softer and bulkier. So insoluble fiber को जो water की absorption की capacity ज्यादा होती है. So जो कोई भी जो waste products होती है, तो waste products will become smoother and bulkier हो जाते हैं. And therefore, fiber, especially that found in whole grain products, is helpful in the treatment and prevention of constipation, hemorrhoids, and diverticulosis. Okay, so diverticula kya ho jate? That is a pouch of intestinal wall that can become inflamed and painful. Okay, so first stage of diverticula mein, hum low fiber diet recommend karte hu. So in when the inflammation thoda kam hone ke baad, high fiber we will recommend. तो उसमें क्या होती है जो लाइक हेमरेज है, फिस्टुला है, जो भी है सीवियर केसेस ऑफ कॉन्स्टिपेशन, थोड़ा नॉर्मलाइज करने के लिए दैट विल हेल्प. ओके, दिस इज अबाउट द प्रिवेंशन ऑफ कॉन्स्टिपेशन बाय डाइट्री फाइबर. सो नेक्स्ट फंक्शन में हो गया और बेनिफिट्स में हो गया लोअर कोलेस्ट्रॉल लेवल. सो लो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल हैज बीन एसोसिएटेड विद रिड्यूस रिस्क ऑफ हार्ट डिजीजेस. ओके, सो जो कोलेस्ट्रॉल के सारे जो लिपिड प्रोफाइल सारे कंट्रोल में रखना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट हार्ट डिजीजेस. सो बाय हैविंग दिस हाई फाइबर इन आवर डाइट, सारे जो लिपिड्स होती हैं लाइक टोटल कोलेस्ट्रॉल हो गया, ट्राइग्लिसराइड्स हो गया, VLDL हो गया, LDL हो गया, जो भी बैड कोलेस्ट्रॉल होती है दैट मेंटेन करने के लिए दिस फाइबर विल हेल्प. ओके, एंड बॉडी एलिमिनेट कोलेस्ट्रॉल थ्रू द एक्सक्रीशन ऑफ बाइल एसिड. वाटर सॉल्युबल फाइबर बाइंड बाइल एसिड and hence a high fiber diet may result in and increase the excretion of cholesterol. Okay, so water soluble fiber bile acid mein bind karke, so that easily elimination of cholesterol will happen. And some types of fiber appear to have a greater effect than others. Okay, so and the fiber found in rolled oats, like I said, oats ke andar soluble fiber achcha quantity mein hoti hai. So soluble fiber have an important role in reducing some kind of metabolic disorders like cholesterol maintain karna, sugar maintain karna, wo sab ke liye soluble fiber will help. So that's why we will recommend oats at least weekly 2-3 times oats diet pe hona chahiye. That will help to reduce metabolic disorders. Okay, and pectin has a similar effect in that it too can lower the amount of cholesterol in the blood. So pectin का क्या? Pectin mostly it is a fiber. It is mostly found in fruits. So ज़्यादा fruits में होती है, fruits के skin के साथ में होती है this pectin content. So basically to control cholesterol and to control blood pressure, ये दोनों में हम DASH diet recommend करते हैं. DASH का मतलब ये होता है basically BP के लिए जो diet होती है DASH diet. So DASH diet में क्या है? Basically fruits and vegetable we will give more. That is due to this pectin content. So by this pectin content, jo cholesterol level and blood pressure maintain karne ke liye help karte. Okay. So fruits and vegetables are good for lowering cholesterol and because it contain high level of fiber in it. So next function hogi reduce risk of cancer. So the first slides also we will discuss about the cancer. So cancer ki jo proliferation, splitting, aur iski jyada development, progression. So that will reduce by this fiber intake. Okay? So dietary fiber may help to reduce the risk of some cancers, especially colon cancer. So colon may ज़्यादा even long time constipation है. So that is inflaming the colon cells, right? So colon में large intestine में जो colon होती है, उसमें ज़्यादा time जो waste particles accumulate हो जाते हैं. That will stuck there. So that there is no smooth passage of the stools. तो उस वजह से इन्फ्लेमेशन के चांसेस होते हैं. सो इन्फ्लेमेशन भी हो गया एंड देयर इज दिस फूड पार्टिकल्स दैट फूड वेस्ट इज स्टेइंग देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, राइट? सो दैट इज द रीजन फॉर कॉन्स्टिपेशन. सो दैट इज आल्सो
will increase the chance of this inflammation and damaging the cells in the colon. So that will lead to colon cancer. And this idea is based on information that insoluble fiber increase the rate at which waste are removed from the body. This means the body may have less exposed to the toxin substance produced during digestion. So same, like I said, जो कॉलन में जो एक्सपोजर जो होती है वेस्ट प्रोडक्ट्स की दैट विल रिड्यूस बाय यूजिंग हाई अमाउंट ऑफ फाइबर. सो जल्दी बल्क फॉर्मेशन हो जाते हैं जो कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करती है. सो दिस लाइक कॉलन एरिया में जो वेस्ट पार्टिकल्स की स्टोरेज कम हो जाता है, ठीक है, इसकी डिले नहीं होती है, स्मूथली दैट विल पास थ्रू रेक्टम एंड दैट विल गो एज ए स्टू. ओके, एंड ए डाइट हाई इन एनिमल फैट and routine also may play a role in developing of colon cancer. So इसलिए जो कोई भी non-vegetarian foods है, so better अच्छे से boil, अच्छे से cook करके लेना चाहिए. So half boiled non-veg is not recommended. That will create more toxins and create problem in colon digestion area, and also that will may lead to cancer problems. Okay, so that's about the risk of cancer. Fiber will reduce the risk of cancer. So next ho gaya, helps to lose weight. So that is very important function of fiber. So high fiber diet may be useful for people who wish to lose weight. So fiber itself have no calorie, yet provides a full feeling because of its water absorbing ability. So fiber mein calorie kam hai, and also that will feel bulk, like एक फीलिंग ऑफ फुलनेस देते हैं दिस बाय हैविंग दिस फाइबर. इसकी एक सिंपल एग्जांपल इज रिटन हियर. सो वन बाउल ऑफ एप्पल ले लिया और वन कप ऑफ एप्पल जूस ले लिया. सो सेम इंग्रेडिएंट कंटेंट दोनों सेम है, बट एप्पल जूस से इट कैलोरी आल्सो सिमिलर, बट एप्पल जूस के ज्यादा टाइम आपको सेटिस्फेक्शन और फुलनेस फील नहीं देता है एप्पल जूस. सो बाय इंस्टेड ऑफ एप्पल जूस ट्राई हैविंग फुल एप्पल इन दैट टाइम. That will give you more fullness and more ज्यादा time के लिए satiety feel भी देता है. The food high in fiber often require more chewing, so a person is unable to eat a large number of calories in a short amount of time. ठीक है, so the fiber content भी है, so chew करने में ज्यादा time लगता है. So that's why this time थोड़ा ज्यादा time that we need to spend on this particular food item. तो उस वजह से कैलोरी कंजम्पशन भी कम हो जाते हैं एंड देयर बाय वेट रिडक्शन के लिए हेल्प करते हैं. सो दैट्स व्हाई जो इवन कोई भी जूस की जगह आप फ्रेश यूज कर लीजिएगा, वेजिटेबल जूस की जगह भी वेजिटेबल सैलड यूज कर लीजिएगा, और फ्रूट जूस की जगह फ्रूट यूज कर लीजिएगा. सो दैट ऑल्सो कंटेन फाइबर इन इट, दैट विल हेल्प टू रिड्यूस वेट मोर फास्ट. ओके, नेक्स्ट हो गया नेचुरल डिटॉक्स. सो बॉडी डिटॉक्सिकेशन के लिए भी अच्छा होती है दिस फाइबर. फाइबर नेचुरली स्क्रब्स एंड प्रमोट द एलिमिनेशन ऑफ टॉक्सिन फ्रॉम योर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट. ओके, सॉल्युबल फाइबर सोक अप पोटेंशियली हार्मफुल कंपोनेंट्स सच एज एक्सेस एस्ट्रोजन एंड अनहेल्दी फैट्स बिफोर दे कैन बी अब्सॉर्ब्ड बाय द बॉडी. सो दैट विल स्मूथली एलिमिनेट थ्रू फीकस. सो नेक्स्ट हो गया, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट benefits of fiber is reduced risk of type 2 diabetes. It is well established fact that intake of fibers, soluble fiber is inversely associated with risk of type 2 diabetes. So insoluble fiber, like I said, insoluble fiber ko different disease condition control karne ke liye help karti hu. So same diabetes control karne ke liye aur diabetic prevent karne ke liye bhi this insoluble fiber will help. Water soluble fiber appears to have a greater potential to reduce postprandial blood sugar, insulin, serum lipid level than insoluble fiber. So this is just a comparison. We can say the soluble fiber water absorb करके gel form हो जाते हैं. So उस वजह से क्या postprandial जो खाने के बाद जो sugar level होती है that maintain करने के लिए और body में insulin maintain करने के लिए lipid profile maintain करने के लिए भी help करते हैं. Okay? And follow-up studies have found that people who have higher fiber consumption lower their risk of developing diabetes by 33% compared to those who have low intake. So that is a study related to this fiber. So 33% jo high fiber jo log lete hain, people who are taking high fiber, so
33% तक उनकी डायबिटिक का इश्यूज कंट्रोल हो जाते हैं और दैट विल नॉट हैपन टू दैट पर्टिकुलर पर्सन. एंड इन बोथ नॉन डायबिटीज एंड डायबिटिक पेशेंट्स इंक्रीज फाइबर कंसम्पशन इंप्रूव इंसुलिन सेंसिटिविटी. सो इवन डायबिटिक नहीं है सो डायबिटिक मे बी प्री डायबिटिक होगा तो नो डोंट डायबिटिक होगा डायबिटिक स्टेज में होगा. ये तीनों कैटेगरी में वी कैन से सो गुड फाइबर इंटेक विल मेंटेन द इंसुलिन सेंसिटिविटी. सो इंसुलिन सेंसिटिविटी अच्छा होने से डायबिटिक का इश्यू भी कंट्रोल हो जाता है. ओके एंड नेक्स्ट दिस इज द आरडीए फॉर फाइबर. सो बेसिकली एज के स्टेजेस में इट इज डिवाइडेड. फाइबर इन्फेंट्स में इट इज नॉट डिटरमाइंड एंड चिल्ड्रंस में 1 to 8 years में वी कैन से 19-25 gram पर डे इज नीडेड फाइबर इंटेक. एंड इन अडल्ट में इन एल्डर एज में अबाउट 50 वी कैन से men and women it is also categorized. So when above 15 men's ko at least 38 grams of fiber is needed per day and women's ko it is 55 and 55 to 70 years mein 32 and 21 for women and 70 mein 30 to 21 34 men and 21 for women. So around we can say it as around 25 to 30 range mein both men and women needed this fiber intake that we will get from सब्जी हो गया नॉर्मल वेजिटेबल सब्जी हो गया एंड यू नीड टू इंक्लूड एटलीस्ट टू वेजिटेबल्स इन ईच मील एटलीस्ट इन लंच एंड डिनर ट्राई टू इंक्लूड टू वेजिटेबल्स एनी फॉर्म. इवन सलाद पसंद नहीं तो दो सब्जियां ले लीजिएगा इवन अदरवाइज यू कैन इंक्रीज द कंसम्पशन क्वांटिटी भी इंक्रीज कर सकते हैं. एक कटोरी सब्जी की जगह दो कटोरी सेम सब्जी भी ले सकते हैं. इफ यू लाइक दैट वेजिटेबल्स यू कैन हैव इवन दो कटोरी राइट. So otherwise, one katori sabzi and one bowl of salad also you can have. And other than this, we will get fruits ki andar fiber hoti hai, cereals ki andar hoti hai, and grains ki andar hoti hai, pulses ki andar hoti hai. So ye sab mein bhi thoda protein we will get. Fiber we will get. So like I said, thoda sa balance karke fiber intake meet karna hai. Okay. So next is the adverse effect of fiber. So even ऐसे जो 30 to 25 gram per day is recommended quantity of fiber intake. So उससे भी ज़्यादा high amount of fiber intake में भी adverse effect भी होते हैं. So minute symptoms हो सकते हैं that we can discuss. The harmful effects are mostly observed in people who consuming large quantity of fiber. Dietary fiber excess quantity में होती है that will lead to this adverse effect. Digestion and absorption of protein may affect hoti hai by using high fiber in the diet and intestinal absorption of certain minerals especially this calcium phosphorus magnesium jo certain minerals jo hoti hai uski absorption rate bhi kam ho jati hai due to this high intake of fiber because this high fiber make this bulk so easily that will bulk create karti hai jo food materials jo hoti hai that will move through this colon and that is pass out. So isliye jo absorption ki jo time hai wo delay ho jata hai like wo kam ho jata hai so body will not get that absorption time for the nutrients. So the excess will harmful like affect this absorption and decrease the absorption of minerals. So intestinal bacteria ferment some fiber causing flatulence and often discomfort like digestion ki discomfort digestive tract ki discomfort like related to stomach ache or flatulence pain ye bhi ho sakti hai by use of excess quantity of fiber. Okay so this is about the today. So you have any question we can discuss now. Any question? So like I said, जो बोल ग्राम जो ग्राम्स की जो प्रोटीन कंटेंट भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लूंगी. सो बोल वीट के अंदर अराउंड 3 gram ऑफ प्रोटीन फाइबर होती है एंड वी कैन से एनी वीट की कोई भी कैटेगरी में वीट्स आ गया उसके अंदर 3 grams की अराउंड होती है एंड रे के अंदर भी फाइबर 2 grams की अराउंड होती है. ब्राउन राइस के अंदर 2 grams की अराउंड होती है. ब्रांड फ्लेक्स के अंदर 5 grams ऑफ फाइबर होती है. सो दैट इज द आउटर कवरिंग. सो जो भी हमारा फ्लेक्स जो होती है आउटर कवरिंग में मिला के हम बनाते हैं तो इसलिए इसकी फाइबर 100 थोड़ा सा हाई है.
एंड ओट्स के अंदर भी 4 grams अराउंड 4 grams ऑफ फाइबर होती है 1 cup के अंदर. एंड लाइक अदर ब्रांड सो नॉर्मल ब्रांड हो गए उसके अंदर अराउंड 14 grams ऑफ फाइबर होती है. सो आउटर कवरिंग दैट इज जो हमारा इसबगोल जो होती है दैट इज मेड अप ऑफ दिस हस्क जो नॉर्मल आउटर कवरिंग जो होती है तो उससे बनाते हैं जो सीलियम इसबगोल. तो इसके अंदर 40 grams के अराउंड फाइबर कंटेंट होती है. एंड जो हमारा राजमा के अंदर भी होती है 6 grams के अराउंड होती है. ओके दिस इज सम सिंपल सीरियल्स एंड ग्रेन्स के अंदर जो फाइबर कंटेंट है. सो अदर देन दैट वी विल गेट फाइबर फ्रॉम वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स अराउंड दिस कैटेगरी ऑल्सो लाइक 4-5 की रेंज में फाइबर मिल जाता है. ओके सो आई एम क्लियर टू एवरीवन. इज देयर एनी क्वेश्चन? So, soluble fiber or insoluble fiber, which is better? दोनों चाहिए ना. We need both. So soluble fiber mostly some disease condition maintain करने के लिए help करती है. For this, like I said, heart disease हो गया और cholesterol high है. Soluble fiber it entraps sugar and cholesterol fat and slowly absorbing their capacity. दोनों फाइबर क्या है इसकी एब्सॉर्प्शन डिले करते हैं ना. दैट विल डिले द एब्सॉर्प्शन ऑफ फूड पार्टिकल्स. सो डिले होने से क्या है जल्दी ग्लूकोज रिलीज नहीं होता. इवन शुगर पेशेंट को क्या हो जाते हैं ग्लूकोज जल्दी शूट अप करते. सो दैट शूटिंग दैट पीक लेवल जो होती है ना वो मेंटेन करने के लिए दिस फाइबर जो कोई भी खाने के साथ आप फाइबर ले लिया दैट विल हेल्प. दैट कॉम्बिनेशन विल हेल्प दैट विल डिले द एब्सॉर्प्शन एंड डिले द रिलीज ऑफ ग्लूकोज. इट इज गुड. क्लियर है? दोनों लेना चाहिए. वन इज फॉर लाइक जो स्टूल के बल्क क्रिएट करने के इनसॉल्युबल फाइबर विल हेल्प. सो बॉडी में सिंपली एलिमिनेट हो जाते हैं इनसॉल्युबल फाइबर. बट सॉल्युबल फाइबर हमारे जो खाने की एब्सॉर्प्शन रेट एब्सॉर्प्शन थोड़ा से स्लोली स्मूथली हो जाते हैं. सो मैक्सिमम जो न्यूट्रिएंट्स होती हैं उसके बॉडी में एब्सॉर्प्शन हो जाते हैं. अदरवाइज क्या होती है जल्दी दैट विल पास थ्रू स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन. तो बेसिकली लार्ज इंटेस्टाइन में ज्यादा हमारा एब्सॉर्प्शन प्रोसेस चलता है. So if you there is no fiber in it, that also will delay this absorption rate, and excess consumption also will delay absorption of nutrients. So इसलिए थोड़ा maintain करके fiber intake diet पे होने चाहिए. Both of the fiber, soluble and insoluble. So basically this both fiber, soluble, insoluble, compound form में होती है सारे food items में. There is few अलग अलग options तो very less होती हैं. Like we can say some grains. And contain soluble fiber. Some lentils contain insoluble fiber. Oats contain soluble fiber. Carrot contains soluble fiber. Okay. So this is thoda sa few options hi hoti hai that we will get insoluble and soluble fiber in different combination. Okay. Otherwise, almost similar ek food items mein dono milta hai. Abhi to naya jo study hua hai. As per that study. So cholesterol, bad cholesterol or good cholesterol, it has nothing to do with the heart. Rather, good cholesterol and bad cholesterol is also it is needed and it is produced in the liver. Yes. So whatever we are taking the medicine for lowering the cholesterol, it is all fraud. So new study. I forwarded this study in the Moha family WhatsApp. Okay. Achha, complete achha. Study. Thank you so much. I will also collect it from the Moha folder. It is a fraud. Unnecessarily, we are taking this medicine. It is not required. Rather, I have to ask my doctor. Shall I stop it? I take Ecosprin AV. It has just come. Many doctors they may not be knowing. Okay. It has just come. Okay. I have forwarded that one in the Imoha family. That WhatsApp group. Ha ha ha.
I will collect. I also collect it from. कौन सा साइट है सो यू नो तो मे बी ये इंडियन स्टडी है और बाहर का स्टडी है it is American from the Washington okay. you know the doctors they have recommended okay और वो जो हम लोग eggs नहीं खाते थे और पीला नहीं खाऊंगे आप खाइए आराम से खाइए नहीं अभी कुछ नहीं ऐसे नया नया स्टडीज आते हैं जो पुराना जो थियरी हम लोग को पूरा चेंज हो जाता है हम लोग को बेवकूफ बनाया गया है स्टडी एडवांसेस टाइम Any other questions? विनय मेरा एक छोटा सा पॉइंट था हाँ जी ये जो अपना आप कहते हैं नॉर्मली स्किन वगैरह जो है कि वेजिटेबल की फ्रूट की दे आर गुड एंड हैव ए गुड फाइबर यस अभी जैसे लौकी है या कोई टिंडा है ये सब्जी जो है इसकी स्किन निकालनी चाहिए कि नहीं निकालनी चाहिए So basically उसके अंदर भी फाइबर होती है बट हाइजीन इज द फैक्टर सबको फ्रेश अच्छा मतलब फ्रेश मिल रहा है वेजिटेबल देन वी कैन यूज द स्किन ऑल्सो आपको ऐसे बिल्कुल ऐसे नहीं ऐसे लग रहा है इट इज नॉट हाइजीन हाइजीन बेस एरिया हाइजीन नहीं है जो वेजिटेबल्स लेकर आते हैं सो देन यू ट्राई टू रिमूव द स्किन अदरवाइज जो गर्म पानी में थोड़ा से वॉश करके हल्दी में डाल के वॉश करके थोड़ा सा जो बैक्टीरिया एलिमिनेट हो जाते हैं तो ऐसे वैसे यूज कर सकते हैं नॉर्मल फॉर्म ये एडिबल है कि नहीं है यूज करना चाहिए वैसे उसके अंदर फाइबर है क्योंकि नॉर्मली ना हम लोग नॉर्मली ये दो तीन चीजें निकाल देते हैं बिल्कुल स्किन निकाल देते हैं उसके बाद फिर सब्जी बनती है ऐसे इवन पोटैटो की स्किन के अंदर भी इतनी अच्छी पोटैटो इज क्वाइट एक्सेप्टेबल पर ये जो टिंडा है या लौकी है वो कड़वी बन जाती है अच्छा तो नहीं वैसे बेसिकली उसमें भी फाइबर है बट वी विल गेट फाइबर फ्रॉम अदर वेजिटेबल्स आल्सो सो व्हेन बिल्कुल बिल्कुल अच्छा नहीं लगता नो नीड टू फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर फूड आइटम सो अदर वेजिटेबल्स में तो मिल जाता है ना सो इट्स ओके कम्प्लीटली निकालने नहीं है जस्ट जस्ट रब कर लीजिएगा जो छिलका जो होती है जस्ट रब इट That we can do. Okay, thank you. Welcome. Any other confusion? Yeah, I just want to know. I'm khira, so I'm wheat skin. Le leti hu, and I bring Chinese cucumber. Very tasty. Okay. They don't have any seed. And then I take that apple also with skin. Good. Continue kar lijiyega. But hygiene is also we need to compromise here. But because abhi. Ke dhone padega. हाँ अच्छे से इवन वन डे एटलीस्ट 6 hours और 5 to 6 hours सब गर्म पानी और हल्दी नमक सब डाल के पानी में डिप करके रख लीजिए कुछ टाइम देके देन यूज इट इवन ऐसे नहीं है बाहर से लेकर आया देन तुरंत यूज कर दिया नो दैट सो कुछ टाइम इसके लिए वॉशिंग पर्पज के लिए कुछ टाइम आप स्पेंड कर लीजिएगा स्किन इज वेरी हेल्पफुल इसके अंदर फाइबर के अलावा न्यूट्रिएंट्स भी होती हैं अदर न्यूट्रिएंट्स भी होती हैं इवन बनाना का जो कवर होता है छिलका उसका उसमें अंदर में जो है उसमें आपका बहुत सा मिनरल्स एंड अदर थिंग्स आर अवेलेबल यस कहता है क्या कि इससे उसको स्क्रैप कर लीजिए स्क्रैप करके उसको निकाल लीजिए मैंने एक आर्टिकल इसके बारे में पढ़ा है उसकी छिलका के अंदर न्यूट्रिएंट्स के बट ये मोस्टली वी विल नॉट यूज दैट तो उसकी टेस्ट अच्छा नहीं लगता है सो दैट्स व्हाई नहीं उसको स्क्रैप करने से तो ठीक है वो तो हो जाता है मीनू जी आई बॉइल द रॉ बनाना आई मेक सम कटलेट और चॉप्स विद रॉ बनाना बट द स्किन देयर इज अ वेरी गुड रेसिपी आई कैन यही बता दो आज बनाना कच्चा है का आंवला की कच्चा केला रॉ बनाना जो स्किन होता है ना पहले बॉईल कर लेते हैं हाँ मैं ऐसे करती हूँ हमारा केरला में सूखा सब्जी बनते हैं उसमें जो लाइक आई सेड जो उसकी छिलका होती है थोड़ा सा रब करती हूँ
वो भी पूरा निकालते नहीं है, कच्चा कच्चा बनाना। तो उसके स्किन थोड़ा सा रब करती हूँ चॉप करके, वो नॉर्मल तड़का लगा के, प्याज हो गया जो भी है मसाला डालना है, मसाला भी हल्दी और नमक हो गया, रेड चिल्ली हो गया, तो सब डाल के सॉर्टिंग करके उसके अंदर वो डालते हैं। देन वो नॉर्मल सॉर्टिंग है, उसके अंदर पानी आ गई तो टेस्ट अच्छा नहीं होती है। तो ये जो हम अच्छे से डेक्कन लगा के उसके अंदर से वेपर आते हैं ना, तो अपना वो कुक हो जाता है। हाँ ऐसे ऐसे करके लाइक फाइव मिनट्स के अंदर थोड़ा सा स्टिर किया, ऐसे ऐसे करके वो बॉईल हो जाता है, अपना बॉईल होता है। दैट इज गुड सब्जी, हम चावल के साथ हम लोग लेते हैं, सूखा सब्जी है। उसमें छिलका पूरा निकालते नहीं है, पूरा उसके अंदर ऐसे बनाना भी है, उसकी ऊपर आउटर जल्दी कुक हो जाता, जल्दी कुक हो जाते हैं। अभी जो नॉर्थ साइड में जो दिल्ली में जो केला मिलते हैं वो जल्दी कुक हो जाते हैं। केला में हमारा उधर बड़ा केला होती है एक, ये बड़ा केला हाँ बहुत मुश्किल है वो कुक करना, तो ये उतना दिक्कत तो उधर नहीं है, जल्दी कुक हो जाते हैं। तो केला में हम ऐसे करते थे, वो बड़ा केला बट इजली अवेलेबल नहीं है इन नॉर्थ साइड, तो बड़ा केला होती है वो बॉइल करके उसके बाद तड़का लगाते थे, पानी में डाल के बॉइल करते थे। बट अभी इधर का जो केला होती है वो नॉर्मली जो मैंने अभी बताया ना वैसे नॉर्मल सॉर्टिंग करती हूँ, सब्जी आ जाते हैं, सब्जी बनती है। अच्छा फाइबर भी है इसके छिलका के साथ है ना, पोटेशियम भी होता है, पोटेशियम भी होती है। गार्लिक थोड़ा सा गार्लिक वगैरह देते हैं ना, भूनते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत इंटरेस्टिंग। हाँ सो मैं फीडबैक फॉर्म डाल देती हूँ चैट बॉक्स, सो गिव यू अवेलेबल फीडबैक। তো পঁচিশে আছে না তো হবে না একটা কিছু কনফিউশন কোনো প্রশ্ন তো ইউ ক্যান আস্ক কই দে ফিডব্যাক তো আ ফিডব্যাক ফর্ম চ্যাট ফর্মে लाइक ऑल्सो कुछ टॉपिक आपको वैसे ऐसे यू आर थिंकिंग दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ टॉपिक दैट वी नीड टू कवर अप, दैट ऑल्सो यू कैन पुट इट इन द चैट बॉक्स, वी कैन डिस्कस इट। कोई भी टॉपिक है सो दैट इज नीडेड दैट वी कैन डू। केरला के लिए अच्छा है नारियल, माया नहीं चलता ना सारा टाइम। यही है इधर, इवन दिल्ली में भी हम कम यूज करते हैं बिकॉज इट इज नॉट हेल्दी ना, तो इसलिए हम क्या कम यूज करते हैं। एनी अदर कंफ्यूजन? हाँ जी विनुजा, हाँ। जो लिंक आपने भेजा है ना, हाँ उस लिंक में ऑप्शंस पहले आते थे, आज ऑप्शन दिख नहीं रहे कोई भी, मतलब ये कौन सा सेशन? एक दो जगह पे देखा है, वो तो ठीक है, अब जैसे आपका डाइटिशियन का था तो उसमें ऑप्शन आता होता था, हाँ। कि कौन सा मतलब प्रोग्राम अटेंड किया, वो दिख नहीं रहा। और उसके बाद दूसरा अपना डिड यू लाइक द शो आर नॉट, वो नहीं लिखा आ रहा, ऑप्शन अच्छा। नजर नहीं आ रहे आज सबको ऐसे ही आ रहे नहीं, मुझे तो 6 के 6 आए सेम जैसे आते पहली तरह आ रहे हैं। हाँ पहले की तरह 6 पूरे वैसे ही आए मेरे, बस मेरे मुश्किल से 6 में से अपना 2 या 3 जो आ रहे हैं अच्छे वो तो मैंने लिख दिए, बाकी द बैलेंस आर नॉट सीन। सो मे बी नेटवर्क इशू की वजह से भी होती है, होना तो नहीं चाहिए मेरे ख्याल, बाकी तो अपना 50% तो बड़ा अच्छा आ रहा है, तो 50% हमने रिमार्क दे दिया और बाकी 50% रह गया ब्लैंक। टाइप कर दीजिए चैट में, वो टाइप नहीं हो रहा ना, यही तो प्रॉब्लम है। कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम वो भी मिला के डाल दीजिएगा। चलो बट एनी वो एक हमने एक्सलेंट वाला वर्ड तो जरूर हमारा चला गया आपके पास। थैंक यू। सो इज देयर एनी कंफ्यूजन और शैल वी क्लोज द सेशन? क्लोज कर लीजिए। ओके देन, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच। थैंक यू, बाय, टेक केयर, बाय। थैंक यू।